छोड़ो, यह मेरी चॉकलेट है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, यह मेरी चॉकलेट है। तुमने क्या कहा? यह क्या है? ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही रोचक चुनौती में आ गए हैं। चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपनी ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं, खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों, अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ, जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि यह बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने बाल चाहिए। यह क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओ, तिलचट्टा। अगर यह छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है, इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वह भी चॉकलेट का है? पता नहीं, यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ ये और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है, तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है। यह स्वादिष्ट है,
तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, यह ठीक है, यह आसान है। ओह, ओह, कितना तीखा! जैक, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। अपना मुंह खोलो। ओह, तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉपिट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओ नहीं, कितना भयानक! मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं, यह सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? Oh, no. हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे, लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। Awesome. सेब, ये स्वादिष्ट और स्वस्थ है। Yeah. प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। Okay, here we go. अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है, स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग, ये बहुत खूबसूरत है। ओ, वह तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे। ओ हाँ, वह गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता।
आओ पता लगाते हैं। शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी। मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है। तो क्या, मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़ेगा। और यह क्या है? क्या यह मेरा केक है? परेशान मत हो, मेरा भी उतना ही छोटा है, इसलिए मुझे ये चुनौती पसंद नहीं आ रही है। चलो देखती हूँ कि मुझे डेकोरेशन के लिए क्या मिलेगा। वाह, रंगीन न्यूटेला, अच्छा है। मेरा मूड तुरंत सुधर गया। मोनिका, देखो कितने सारे जार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये सभी बहुत ही रंगीन, चमकदार और सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पीला लूंगी, पर मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। इसके बिना मेरा केक दिखेगा नहीं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो यह कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि मुझे और रंग लगाना चाहिए। यह अच्छा लग रहा है। मुझे केक पर ड्रॉ करना पसंद है। सुंदर, पर मैं मुश्किल से इसके डिजाइन को भी देख पा रही हूँ। ठीक से देखो मोनिका, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ये एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहिया घुमा दिया। गमी आइस, बहुत अच्छा है। मैं लकी हूँ। वाह, कितनी बड़ी गमी आंख है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखो सूजी, यह कितना मजेदार है ना? खैर, अब इसे केक पर सजाने का समय है। ओह, ये तो पूरा दब गया। परेशान मत हो मोनिका, अगली बार तुम जरूर सफल होगी। मैं इसे खाकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी दुखी हूँ। बेचारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेवकूफ गमी आंख, इसने सब बर्बाद कर दिया। मोनिका, अपने आप को संभालो और खुद को साफ करो। एक सेकंड रुको, यह आईना ले लो। धन्यवाद सूजी, इससे काफी मदद मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब रही। अब केक के मजे ले सकती हूँ। उफ, कितना भयानक, मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मुझे पाउडर लगाना है। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओ नहीं, मैंने अपना प्यारा केक उड़ा दिया। ये तुम्हारी गलती है मोनिका, मेरे पास अब कोई केक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और हमारा केक कहाँ है? शायद पहले पहिया घुमाना होगा। चलो शुरू हो जाओ। वाह किटकैट, इसे तो किसी केक की जरूरत नहीं है। वैसे वह है कहाँ? वाह कितने सारे चॉकलेट बार, इसे तो गिना भी नहीं जा सकता। ये पूरा टावर है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं पहिया घुमाती हूँ। M&M's, बहुत बढ़िया, हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। मुझे मेरी कैंडी चाहिए। कितना बड़ा पैक है। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे केक कहाँ है? वे अभी भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वाह कितना बड़ा केक है। ओ मोनिका, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में किसी सपने की तरह है। यह केक कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं इसे पहले सजाती हूँ। मैं इस बार से शुरू करूंगी, पर इससे सारे गिर जाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगी। खैर चलो अपने काम पर लग जाओ। ओ चॉकलेट, ये कितना सुंदर है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट हमेशा से मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि केक को सजाने के लिए किटकैट की जरूरत है। तुम मेरे मजा को कैसे खराब करना है यह जानती हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं केक पर चॉकलेट बार लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। देखो कैसे बार समान रूप से एक एक करके लगी हुई है। एकदम सही लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ।
बहुत बढ़िया मोनिका, अब मेरी चाल। मैं अपनी केक को और भी सुंदर बनाऊंगी और ये सुंदर चमकीले कैंडी इसमें मेरी मदद करेंगी। मैं बस इसे ऊपर डालती हूँ और यह हो गया। देखो केक तुम्हारे आंखों के सामने बदल रहा है, अब यह पहले से भी बेहतर दिखने लगा है। बस हो गया, ये एक मास्टरपीस है। तुम सही कह रही हो, मैं केक से आंख नहीं हटा पा रही हूँ। ये बहुत चॉकलेटी और सुंदर है। मुझे लगता है इसके स्वाद लेने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कांटे और चाकू के साथ तैयार हूँ। लेकिन तुम मोमबत्तियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो, उसके बिना केक कैसा? यह केक मेरा उपहार है। देखो आज मेरा जन्मदिन है। ओ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। खुश हो जाओ मोनिका, हम उत्सव मना रहे हैं। मोनिका तुम इतनी दुखी क्यों हो? यह टोपी लो, मुझे आशा है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। मुझे इस बेवकूफ टोपी की जरूरत नहीं है, मुझे केक चाहिए। लेकिन असल में यह मेरा है। देखो मोमबत्तियाँ कितने सुंदर से जल रही हैं। मोमबत्तियाँ, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे पेसिफायर चाहिए मम्मी। लगता है सुजी एक साल की बच्ची बन गई है। यह लो और प्लीज रो मत। स्वादिष्ट। अब वह निश्चित रूप से मुझे पूरा केक खाने से नहीं रोकेगी। मुझे यही चाहिए था, लालची। कोई और मोमबत्ती नहीं, मुझे कैंडी, चॉकलेट और केक में ही दिलचस्पी है। वाह, यह केक अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी से इसे खाने की कल्पना कर रही हूँ। मैं पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या सोच रही हो सूजी, जल्दी करो। ठीक है मैं बस अपनी कल्पना में खो गई थी। मुझे गुलाबी फ्रॉस्टिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्रीम स्ट्रॉबेरी से बनाई गई है, कितना अच्छा। मुझे यह खाना है। स्वादिष्ट, बहुत मुलायम और मीठा। बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो है। क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए मोनिका? हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे हमेशा खाना चाहूंगी। अब मेरी बारी है इस पहिया को घुमाने की। पीला या हरा? दिलचस्प, मुझे आशा है कि इसका स्वाद तुम्हारी तरह ही अच्छा होगा। वैसे वह है कहाँ? तुम्हारे फ्रॉस्टिंग में क्या है मोनिका? ये मुझे अभी नहीं पता, पर यह प्यारा लग रहा है। हमारे केक को सजाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करें सूजी। मैं इस क्रीम से बहुत सारे छोटे फूल बनाऊंगी और मैं भी, फिर हमारे केक मिलते जुलते दिखेंगे। अरे हाँ, दोनों शानदार है। मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, पर मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अपने कोन को अदला बदली करनी होगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा है, इसे ये और भी सुंदर और चमकदार निकलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाई फाइव दोस्त, हमने इतनी मेहनत की है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। चलो अपनी केक खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है। ओ यार, यह कितना मुलायम है, केक बस मुंह में घुल ही जा रहा है। हाँ मेरा भी, इसमें कितने सारे फ्रॉस्टिंग हैं, बहुत बढ़िया। सूजी, लगता है मेरे मुंह में आग लग गई है। और मेरे भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग, यह क्या था, यह इतना तीखा क्यों है? मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी क्रीम हो। हम नहीं जानते थे कि किस चीज से बना है, शायद तुम सही हो। चलो पता करते हैं। ओ नहीं मोनिका, यह वसाबी है। अब मैं समझ गई हमारे साथ क्या हुआ है, हमें इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था।